आज खैर भारतीय गेंदबाज बड़ा लंबा दिन बिताया उन्होंने जहीर फील्ड पर, मतलब 2016 के बाद किसी भी अवे टेस्ट में इतनी देर बाहर नहीं रहे भारतीय गेंदबाज। शायद वो भी कहीं ना कहीं उनके बॉडी पर अफेक्ट करेगा थोड़ा आगे जाते हुए, क्योंकि अब सिर्फ दो ही दिन बाकी है और किसी ना किसी स्टेज पर उनको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ये चीज एक और चीज दर्शाती है कि कितनी अच्छी रही है भारतीय गेंदबाजी पिछले पिछले 4-5 सालों में, कि कंसिस्टेंटली बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। और आपने ये जो नंबर निकाला है ना खोज के तने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने भी इतना सोचा नहीं था कि इतने दिन के बाद इतना समय भारतीय गेंदबाज फील्ड पर रहे। तो जरूर आज इंग्लैंड खास तौर से जो रूट की बदौलत ये हो पाया है, क्योंकि जो रूट ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है अपना, वो सोच रहे होंगे कि 200 रन मिस करते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजी की अगर बात करो तो ईशांत शर्मा ने टी टाइम के सेशन के बाद जो दो गेंदों में दो विकेट ली, उसके कारण मैं समझता हूँ बहुत अच्छी ये लास्ट सेशन भारतीय टीम खेल पाई। और सैम करन को भी हम जानते हैं कि किस तरीके से जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले टेस्ट मैच में, तो इस टेस्ट मैच में जिस मुकाम पे वो थे, इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी था कि सैम करन और रूट की भी उस स्टेज पे पार्टनरशिप हो, क्योंकि वही एक बल्लेबाज थे जो तेजी से भी रन बनाते, खुल के भी खेलते और बहुत कंफर्टेबल लगते। तो आज ईशांत शर्मा ने सिर्फ मोइन अली का ही विकेट उस क्रूशियल स्टेज पे नहीं बल्कि सैम करन को भी साथ ही साथ आउट किया। मुझे लगता है इसके कारण ये सेशन इतना बेहतर रहा भारत के लिए। 3 विकेट्स निकाले ईशांत शर्मा ने इस पारी में। और सही, कई बार होता है कि ईशांत शर्मा एक ऐसे गेंदबाज हैं कि आप उनको देखेंगे वो एक छोर से गेंदबाजी करते रहते हैं। यहाँ क्या भारत के पास लग्जरी थी 4 पेसर्स की, तो शायद उतना वर्कलोड नहीं था उन पर, लेकिन शुरू में हमने देखा शायद लय खोज रहे थे अपनी, लेकिन जिस तरीके से लय खोज कर वापस आए और फिर से एक बार महत्वपूर्ण विकेट्स निकाले, वो दिखाता है कि उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है आज भी इस भारतीय टीम के। काफी समय के बाद खेल रहे हैं, ये पिछला मैच भी वो खेल नहीं पाए, तो एक काफी अरसा हो चुका है इन्हें खेल के मैच, और मैच फिटनेस की हम अक्सर बात करते हैं ना, तो वो भी बहुत जरूरी होता है, वो आप सिर्फ मैच खेल के ही हासिल कर सकते हो। तो शुरुआती नए गेंद के साथ तो इनकी गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन आज पहले सेशन में हो सकता है थोड़ा सा उतना जिस लेंथ पे इन्हें ज्यादा सक्सेस मिलता है उस लेंथ से हल्की सी पीछे चल रही थी इनकी लेंथ। और जब टी टाइम के बाद देखा तो अगर आप वो हॉकाई पे भी दिखाते हैं, गुच्छे दिखाते हैं ना, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने भी वो चीज समझा अल्टर की। बटलर के विकेट के बाद उन्हें भी अंदाजा हो गया कि हाँ ये चीज अगर मैं करूंगा इस विकेट पे तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा फायदा हो। और 2 विकेट टी के बाद भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे कारगर साबित हुए। कप्तान कोहली ने भी आत्मविश्वास भरा उनमें, उनको नई गेंद दी, उनसे कहा भाई नई गेंद से एक छोर से करिए। क्या कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें भी आत्मविश्वास भर देती हैं गेंदबाज में, जब आप अपनी लय खोज रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें भी काम आती हैं? देखिए तने 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं ईशांत शर्मा, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज ज्यादा इस तरीके से वो सोच रहे होंगे कि हाँ कप्तान ने मुझे यहाँ बोलिंग दिलाई। या जब आप इतने सीनियर खिलाड़ी हो ना तो आपको चीजें हासिल करनी होती है, मतलब आपको किसी भी सिचुएशन में, मतलब आप जब बतौर सीनियर गेंदबाज आपको कप्तान इस तरीके से देखता है कि हाँ अगर कुछ चीजें टफ जा रही है तो मेरे लिए ये खिलाड़ी आसान कर देगा क्योंकि ये इतने समय से खेल रहा है। तो ईशांत शर्मा उस वाले बोट में है, ना कि इस वाली बोट में, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस और हौसला अफजाई की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर वो एक लीडर ऑफ द पैक आप कह सकते हो कि इतने सालों से खेल रहे हैं, तो इनका काम सिर्फ गेंदबाजी नहीं करना बल्कि ऑल्सो जो आसपास जितने भी है ना उनको साथ में लेके चलना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशंस में और डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम में क्या मानसिकता होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस तो आपको काम आता है ना, तो आप वो एक्सपीरियंस शेयर भी तो कर सकते हैं दूसरों के साथ।